Hello, future officers. My name is Rohit Garcha, and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows ki agar aapke current affair sorted hai, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now, this video is part one of the series जहाँ पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन. कहाँ गायब थे पिछली बारी? एक ही क्लास होती है हफ्ते में और ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और ये चुन के 10 टॉपिक लेके आए जाते हैं आप लोगों के लिए. तो ट्राई करा करो कि एटलीस्ट ये वाली क्लास आप मिस मत करो, है ना. बाकी क्लासेस मिस करनी है वो आप देख लो, क्योंकि वो दूसरे टीचर बोलेंगे आपको, है ना. मैं अपने वाले का देख लेता हूँ. एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, राइट. बिकॉज ये थैंक यू द रीज़न आई एम सेइंग कि हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि आप लोगों से कितना सीखा जाता है, राइट. नो टू क्लासेज आर सिमिलर. अगर आप लोगों ने रियलाइज़ किया हो पिछले साल से ऐसा चल रहा है, नो टू क्लासेज आर सिमिलर. तो पहली क्लास से और दूसरी क्लास के बीच में फ़र्क कहाँ से आ रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज, राइट. दैट इज़ वाई वेन इट इज़ सेट दैट द क्वालिटी ऑफ क्लास डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, राइट. उसका ये मतलब होता है. कि आप लोगों को पता भी नहीं है पर आप लोगों से सीखा जा रहा है और आपके हिसाब से ही क्लास मॉडिफाई की जाती है, बढ़ाई जाती है, कम की जाती है, उसकी क्वालिटी, उसकी डेप्थ, राइट. एंड जैसे लास्ट टाइम कोई आंसर्स नहीं आए थे तो इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लाया, है ना. वो क्या बोलते हैं उसको, आपने कर्मा थ्योरी सुना होगा कि जो आप कर्म करते हो वैसा ही आपको फल मिलता है. सो द क्वालिटी ऑफ क्लास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट, एज सिंपल एज दैट, राइट. सो इस बार मुझे एक दिख रहे हैं आंसर्स, पर ये फिर भी इसके नंबर ऑफ आंसर्स कम होते जा रहे हैं, है ना. ऐसा क्यों है? तुम लोग सीरियस वीरियस हो ना, मतलब ये बनना है कि नहीं बनना है, कि एसी वाली क्लास लगानी है बस. द पॉइंट इज कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, जिसमें आपको एक सवाल दिया जाता है पूरे हफ्ते के लिए, ये सबसे गोल्डन एक्सरसाइज है आपके पूरी प्रेपरेशन की. रीज़न बीइंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल ओवर इंडिया कंटेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है. नो टू स्टूडेंट्स आर रीडिंग डिफरेंट कंटेंट. ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी के अंदर कुछ अलग लिखा हुआ है, राइट. या जो सिलेक्ट होते हैं उनकी लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी के अंदर कुछ अलग लिखा हुआ है. इट्स जस्ट दैट कि आप उसको पढ़ते कैसे और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन उसके अंदर कैसे हो रही है, राइट. और अभी आपने जब आंसर्स लिखे भी होंगे, डू यू थिंक कि आपके कंटेंट कहीं पे काम आया उसके अंदर? ज़्यादा कंटेंट का काम प्री तक ख़त्म हो जाता है बाय द वे. उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल्स हैं. एंड आप लोगों की किस्मत ख़राब कि प्री के नंबर आपके फाइनल रैंकिंग के अंदर नहीं जुड़ते. इट इज़ जस्ट अ स्टेज, राइट. सो ये जो हम कर रहे हैं ना, बेसिकली जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, दिस इज़ योर सेलेक्शन एंश्योरिंग एक्सरसाइज बाय द वे. ये जो हम करते हैं, बाकी कंटेंट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब, ये आपका प्री तक का, दैट इज़ मोर देन इनफ. इफ़ यू आर राइटिंग अ सेंटेंस विच इज़ एक्चुअली मेकिंग अ सेंस. सेंटेंस की बाय द वे डेफिनेशन ये होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ मेकिंग सेंस. तो अगर आपका सेंटेंस एक्चुअली आंसर कर पा रहा है उसको और उसमें रेलिवेंट एग्जाम्पल नहीं है, स्टिल यू विल गेट मोर मार्क्स देन द पर्सन जिसने रेलिवेंट एग्जाम्पल लिखे लेकिन उसके सेंटेंस में दम नहीं है, है ना. और अभी आपको एक हफ्ते में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, ऑप्शन होता है, दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक आपने करना है, दो करने आपके ऊपर होता है.
तो अभी आपके पास बल्क में टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, पूरा हफ्ता, यू कैन यूज एनी सोर्स, आप कहीं जाओ जैसे मर्जी लिखो, आंसर क्रिएटिव होना चाहिए बस। नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि वहाँ पे 3 घंटे के अंदर 20 लिखने हैं ऐसे, एवरेज पड़ती है 8 या 9 मिनट, 8 या 9 मिनट के अंदर सोचना और लिखना है, राइट? तो वो आपके प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, राइट? तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, राइट? ताकि मतलब ये जो क्वालिटी है इस क्लास की वो मेंटेन रहे, राइट? हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। चलिए शुरू करें टॉपिक्स। डॉक्यूमेंट्स है सबके पास? यार तुम लोग तो शांति हो गए, कोई नहीं, अच्छा माहौल रखो। अब ये मेरी गलती नहीं है ना यार, तुम लोगों ने नहीं लिखे आंसर, मैं तो बोलूंगा ही ना। अब ऐसे में मेरे को उतरे हुए चेहरे नहीं दिखने चाहिए क्लास में, खुश होकर पढ़ना। ये टाइम तो यूटिलाइज करेंगे, पहले वाला चलो हमने नहीं किया आंसर लिखने में, पर ये वाला तो नहीं खराब करना ना इस चक्कर में, है ना? जैसे वो आपने देखा जब घर वाले निकलते हैं तो उनकी लड़ाई होती ही होती है, किसी फंक्शन पर जाना है, होनी होनी है लड़ाई, पता नहीं क्या चक्कर है, किसी के घर में जाके देख लो, निकलते हुए लड़ाई करनी ही करनी है। भैया चलो ठीक है तुम लेट हो गए, अब तो आराम से जा सकते हो, अब जा रहे हैं वहाँ पे, चाचा जी मिलेंगे, फूफड़ जी मिलेंगे, है ना, एंगेजमेंट है छोटी की, तो आराम से कर लो ना यार, इंजॉय, क्या हो गया, क्यों क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो? तो सेम गोज हेयर, बहुत पास्ट है, दिस इज द प्रेजेंट, राइट? चलिए, सो बेसिकली ये एक रिपोर्ट आई है आपके WHO एंड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट के अंदर क्या है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्टली जो है आपका मेन स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो ट्रेंड्स हैं, UPSC के दिमाग का कुछ नहीं पता, दिमाग ख़राब है उनका, और वो कोई भी सवाल किधर से भी डाल सकते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन दिस सेक्टर, वो आपका प्रिलिम्स से थोड़ा सा रिलेट करेगा, एंड इफ़ यू विश तो आप पर्सनल लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हो। सो द टॉपिक इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अब एक होता है प्रोसेस्ड फूड, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आटा खरीद के लाया आप, राइट, और आपने उसकी रोटी बना के खा ली, राइट? नाउ दैट इज योर प्रोसेस्ड फूड, कि आपने आटे को एक प्रोसेस से निकाला और आपके पास में फाइनली एक रोटी आ गई है, राइट? और आप रोटी कितनी देर स्टोर करके रख सकते हो, 1 दिन 2 दिन, राइट? बट ऑन दी अदर हैंड आप उसी आटे को अल्ट्रा प्रोसेस कर दो और बिस्किट बना दो, नाउ उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी। व्हाई? बिकॉज आपने प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, उसके कुकिंग प्रोसेस के अंदर चेंजेस लेके आए। नाउ दीज फूड्स आर कॉल्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। कन्फ्यूज नहीं होना है कि हम डेली बेसिस पे हम प्रोसेस्ड फूड ही कंज्यूम करते हैं, है ना? आप खेत में जाके गन्ने नहीं खाते हो, है ना? आप चरते नहीं हो, राइट? है ना? ठीक है, मैं क्या शायद जाते हूँ, आंसर तो नहीं लिख रही, यही काम होगा, है ना? चलिए, तो एक बार हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं पहले, ऊपर ही साथ में लिख लीजिए। कौन कौन फर्स्ट टाइम आया क्लास में यहाँ पे अभी? ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि साइड पे लिखना है आपने यहाँ पे? फूड, एनी फूड इज कंसिडर्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इफ 5 or more इंग्रीडियंट्स, इफ 5 or more इंग्रीडियंट्स आर एडिड to the original product, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पर बिस्किट वगैरह बनाते हो तो आप इतने इंग्रीडियंट्स नहीं डालोगे। सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। दीज फूड्स यूजली हैव High salt, sugar and fat content.
salt, sugar and fat content, comma, along with flavor, taste enhancers, emulsifiers and colors. राइट, एमल्सीफायर्स क्या होते हैं जो कि डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप में से किन किन लोगों ने चॉकलेट शेक पिया है? पिया ही होगा ऑलमोस्ट, है ना. चॉकलेट एंड चॉकलेट इज इनसॉल्युबल इन मिल्क. चॉकलेट मिल्क में डिसॉल्व नहीं होती है, येट यू हैव ड्रैंक चॉकलेट मिल्क. व्हाई? बिकॉज उसके अंदर एमल्सीफायर यूज होता है. राइट, तो इसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं. नाउ लेट अस सी द ट्रेंड. अगर आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे, शेयर ऑफ बेवरेजेस according to the report was the highest, followed by chocolate and sugar confectionery. Right, ye iska trend hai. Beverages ke andar jo aapke concentrates or squash hai na, that is accounted for 77%. ye aapka micro data hai, ye yaad rakhne ki zarurat nahi. Beverages number 1 pe ye aapne yaad rakhna hai. इसके अलावा बाकी जो तीन चार पॉइंट्स हैं ये आप अपने आप से देख लेना. लेट अस सी. एक यहाँ पे इफेक्ट गिवन है, कोविड इफेक्ट, कि हालांकि क्योंकि आप लोग अब देखो यहाँ पे फर्क आता है कि व्हाट द पिक्चर ऑफ रियल इंडिया एंड योर होम इज लाइक. उसमें डिफरेंस देखो, कोविड के टाइम पे आप लोगों के प्रोसेस्ड फूड की कंजम्पशन बढ़ गई थी, लेकिन ओवरऑल डेटा बोल रहा है कि वहाँ पे अच्छी खासी डिसरप्शन आई थी. राइट, सो इसको बोलते हैं प्रिविलेज. जस्ट रियलाइज दिस. तो जब आप आंसर्स लिखते हो ना और आपको लगता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है इंडिया लेवल पे, किसी बड़ी पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ा दी, फॉर एग्जांपल, है ना, खासकर एक बहुत टची सब्जेक्ट रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, दैट इज़ रिजर्वेशंस, है ना. तो उसके ऊपर अगर आप सब अपना दिमाग लगाते हो थोड़ा सा, है ना, तो आपके पास कंप्लीट पिक्चर नहीं है. आप पर्सनलाइज होकर सोचते हो. ये चीज़ उसका एक एग्जांपल है कि किस तरीके से एक्चुअल रियलिटी थोड़ी सी डिफर करती है जो हम जिस रियलिटी को जी रहे होते हैं. राइट, सो कोविड इफेक्ट, द एनुअल ग्रोथ रेट डिक्लाइंड शार्पली, ड्रॉपिंग फ्रॉम 12.65% इन 2019 टू 5.50% इन 2020. उसके बाद 21 में रीबाउंड. और व्हाट इज द रीजन इज द लास्ट पॉइंट. ये आपके साथ भी हुआ होगा, कंज्यूमर्स शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जूसेस एटसेट्रा. प्लस हमने लास्ट ईयर एक डेटा भी किया था कि पोल्ट्री की डिमांड बढ़ गई थी कोविड के बाद में, है ना. तो थोड़ा बूम पे चल रहा है आपका पोल्ट्री सेक्शन, मीट सेक्शन. तो कोविड के बाद में ये भी उसका एक इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है. ये आपको क्या लगता है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? बिकॉज अल्ट्रा फूड्स जो है ना बच्चे, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है. राइट, और WHO ने बहुत सारी गाइडलाइंस इसके ऊपर दी हैं. राइट, इफ यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट कंसर्न्स, एक हेडिंग डाल लीजिए, क्या कंसर्न क्या है, वाई आर वी रीडिंग दिस. जब सब सही चल रहा होता है तब आप लोगों की जरूरत नहीं है, तब तो सब कुछ सही चल ही रहा है. आप लोग आते ही डिस्ट्रेस में हो, आपकी जो जॉब है. राइट, If consumed regularly or in large quantities, ये सुना हुआ है आपने, मतलब ये कुछ नया अभी आपको नहीं पता लगने वाला. comma, these can initiate hypertension, cardiac issues, एंड लाइफ स्टाइल डिजीजेस. सेकेंड पॉइंट लिखिए, आर्टिफिशियल एडिटिव्स
have a negative impact on gut health, and can range from neurological stress and mood swings. तो फूड और मूड आपका बहुत अच्छे से रिलेटेड है, अदरवाइज देयर वुड नॉट हैव बीन अ थिंग कॉल्ड कंफर्ट फूड, राइट। एक और आप पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर, हाई डोजेस ऑफ सिंपल शुगर रिलीजेस इंसुलिन which makes you feel more hungry and eat more, releases insulin which makes you feel more hungry, वैसे फुल स्टॉप लगाया जा सकता है यहाँ पे, ज़्यादा भूख लगी तो खाओ गई and eat more, ओके। सो अब आपको समझ में आया क्या कंसर्न है हमारा, इसकी CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, बाय द वे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ अ ग्रोथ रेट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक साल में 10% हुई है ग्रोथ, एक साल में 6% हुई है, एक साल में 8% हुई है, राइट। तो हम इसको कंपाउंड करके बताते हैं कि इस साल से इस साल के बीच में इतनी ग्रोथ रेट है, जब हम पूरे सबको कंपाउंड कर देते हैं उसको CAGR बोलते हैं, बहुत आसान शब्दों में अगर कहें तो, राइट। तो ये CAGR आपको कई जगह देखने को मिलेगा, इट इज़ ये एक सिंगल डिजिट होती है, ये मतलब दिस परसेंट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज दिस परसेंट फॉर दिस ईयर, मतलब फ्रॉम अ रेंज ऑफ दिस ईयर, इतने साल से लेके इतने साल तक, राइट। सो व्हाट कैन बी द रिकमेंडेशंस, अगर आपको रिकमेंडेशन देनी हो कि ये अब हमारे पास प्रॉब्लम एट हैंड है, राइट, हमारे पास एक पॉपुलेशन है संभालने को, अल्ट्रा फूड्स भारी मात्रा में, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स भारी मात्रा में कंज्यूम हो रहे हैं, क्या रिकमेंडेशन दोगे? ये किसको बताओगे आप? सबको, ओके। तो मतलब अवेयरनेस कैंपेन टाइप बात हो रही है ना, ठीक है। और ये तो आप मार्केट बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हो, नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सरकार हो, आप कर सकते हो ये सब कुछ, भूला मत करो, आपको जिस पोजीशन में डालना चाह रहे हैं आपको उठाते सार वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रखेंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग पॉलिसीज, तो बड़े सॉल्यूशन दे सकते हो, ये भी पॉइंट है। हाँ, तो मतलब टेक्निकली डिपेंड करेगा कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, तो अगर तो आया डिस्कस तो आप दोनों के पॉइंट्स जाएंगे, है ना, और अगर उसमें सॉल्यूशन मांगा तो उनका जाएगा सिर्फ, और अगर बोला कि जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं तो इनका जाएगा पॉइंट, सिंपल पॉइंट सारे पता होना चाहिए, दिमाग हर जगह दौड़ाना है अपने। और बताओ, थोड़ा पर्सनली लाइफ में घूम के देखो आप लोग किस किस चीज़ के शिकार हो इसमें, एक तो अवेलेबिलिटी भी नहीं है, सोच के देखो हेल्दी फूड की अवेलेबिलिटी कहाँ है, अभी निकलो बाहर, मैं आई विल गिव यू 100 रुपीज़, ब्रिंग सम फूड, आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत टफ है, राइट। इसके अलावा एक और है, दैट इज जो इन्होंने रिकमेंड किया है, दैट इज स्ट्रिक्टर एडवर्टाइजिंग, राइट, और आपकी जो मार्केटिंग है उसको रेगुलेट करना है। लेट्स राइट दिस रिकमेंडेशंस, स्ट्रिक्टर एडवर्टाइजिंग, एंड मार्केटिंग रेगुलेशंस,
और उनके पॉइंट से एक और पॉइंट निकल रहा है कि आप ना अनहेल्दी फूड को डिफाइन तो करो. एक कैटेगरी होती है जिसको हम HFSS बोलते हैं, हाई फैट शुगर सॉल्ट, एक कैटेगरी है फूड्स की, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं है. राइट, सो लेट्स राइट डाउन क्लियर डेफिनेशन ऑफ हाई फैट शुगर सॉल्ट. कैपिटल्स में लिखना है इसके फर्स्ट लेटर्स, हाई फैट शुगर सॉल्ट HFSS फूड्स. अब देखो यहां पे अब अगर आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या बनेगा. अब आप सीधा तो प्रोडक्शन तो बंद नहीं करवा सकते. राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर दो इसके सब पॉइंट्स बनेंगे. नंबर वन कि आप FSSAI के साथ में, है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ में मिलकर, स्टेक होल्डर के साथ में मिलकर आप डेफिनेशन बनाओ, नई डेफिनेशन बनाओ. दूसरा, GST काउंसिल के साथ में मिलकर टैक्स स्ट्रक्चर को इसके साथ लिंक कर दो, है ना, कि अगर आपने HFSS प्रोड्यूस करना ही है कोई बात नहीं, आपका टैक्स स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा. राइट, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट महंगा होगा, जो कंज्यूमर बिहेवियर वो चेंज करना चाह रहे हैं लोगों को बोल के समझा के, लोग नहीं समझते हैं. हाँ राइट, बिल्कुल वो सब सॉल्यूशन बनेंगे इसके, क्योंकि बोल के नहीं समझते हैं. आप लोगों ने पैसे भरे हुए हैं यहाँ पे कि हमें समझाओ, आप आंसर नहीं लिख रहे हो, सोच के देखो पैराडॉक्स. और हम जा रहे हैं वो लोग जो ऑलरेडी वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, उसका बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हो बोल के, नॉट पॉसिबल. आपके पेरेंट्स आपका नहीं कर पाए, आप जनता का नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. यही दस्तूर है, ऐसा ही होता है ना. वो नहीं है सरताज का गाना, एक चार ही तरीके ना बंदा करे कम, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल. तो आपके UPSC के आंसर में आपको कहीं ना कहीं यही चार चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ऐसे ही करती है जनता काम. राइट, चलिए लिख लेते हैं इसको, दोनों इसी सब पॉइंट्स बना के लिख लीजिए बच्चे. FSSAI, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता फुल फॉर्म भी लिख ले साथ में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI should collaborate with the stakeholders. Stakeholders कौन कौन होंगे इसमें, आपके producers, आपका health department और आपकी कोई civil society. Should collaborate with stakeholders to establish a clear definition of HFSS. सेकेंड सब पॉइंट बना लीजिए इसमें, लिंकिंग द टैक्स स्ट्रक्चर विद द अबव डेफिनेशन. दिस इज हाउ यू लिंक योर आंसर, लिंकिंग द टैक्स स्ट्रक्चर विद द अबव डेफिनेशन थ्रू GST काउंसिल. बाय द वे, आप लोगों के आंसर्स इम्प्रूव कर रहे हैं एंड ग्रोथ इज़ रियली गुड. पहले से लेके तीसरे चौथे आंसर तक आप लोग अच्छा लिखने लग गए हो, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है. कुछ लोग आर देयर, राइट, उनको बस कुछ टिप्स की ज़रूरत है. तो रुकना, ब्रेक मत मारना अभी, अभी ब्रेक मारी फिर आपकी जो गाड़ी चलेगी ना वो फैब एंड में चलेगी. मेरे से अभी लिखवा लो, अगर किसी का दूसरा अटैम्प्ट है तीसरा अटैम्प्ट है तो उसको पता भी होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर आपने अब ब्रेक मार दी तो आपकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट होगी फैब एंड में. फैब एंड क्यों, उस समय फॉर्म्स निकलते हैं, ठीक है, और गला सूखता है, तब आप दोबारा उठाते हो कि यार मैं ये रिवाइज कर लेती हूँ, ये रिवाइज कर लेता हूँ, है ना. तो अभी मत मारना ब्रेक, नॉट अ गुड टाइम, है ना, ठीक है. देन वी शुड हैव अ नेक्स्ट लिखिए आप रिकमेंडेशंस में, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी.
ये अभी तक नहीं है हमारे पास बाय द वे। हमारे पास इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं कि हमने अनेमिया मुक्त करना है, राइट, पोषण 2.0, हमारा एक एक प्रोग्राम चलता है, क्या बोलते हैं उसको, सक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम, राइट, कि बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन को कैसे टैकल करना है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी कोई नहीं है हमारे पास। तो इट इज़ टाइम कि हो, तो इसका वो मतलब है। एंड देन लास्ट पॉइंट जो कि सबसे लॉन्ग टर्म रहेगा, न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन, एंड लॉन्ग टर्म शिफ्ट टुवर्ड्स हेल्दियर लाइफस्टाइल। आपका ना बच्चे लास्ट पेज जो है इस डॉक्यूमेंट का वो खाली है, तो उसके ऊपर ना मतलब आई फील कि हमें माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं विच इंक्लूड्स योर, मतलब माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन जो सही नहीं है, तो इट कुड बी अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, तो सारी डेफिनेशन इसके अंदर इंक्लूड होती है माल न्यूट्रिशन। इट रेफर्स टू डेफिशिएंसीज, एक्सेसेस, और इम्बैलेंसेस इन अ पर्सन्स इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम मॉल न्यूट्रिशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं, राइट, सो यू कैन ऑल्सो लाइक मेक अ डायग्राम लाइक दिस। फर्स्ट में लिखते हैं अंडर न्यूट्रिशन, जिसको ये चीज़ें याद हैं वो चाहे ना लिखे, राइट, जिसके लिए नया है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन, राइट। इसके भी फर्दर तीन पार्ट्स हैं, वेस्टिंग, WSTING, वेस्टिंग, विच मीन्स लो वेट फॉर हाइट, वेस्टिंग। हमने माल न्यूट्रिशन लिखा, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, अंडर न्यूट्रिशन नंबर वन, तीन पार्ट्स में, वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज, वी से कि रूरल इंडिया के अंदर एंड पुअर कम्युनिटीज के अंदर हमें स्टंटिंग देखने को मिलती है, राइट, सो दिस इज व्हाट स्टंटिंग इज, जो आपकी हाइट आपकी एज के हिसाब से कम रह जाती है, तो उसको स्टंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव अंडरवेट, लो वेट फॉर एज, नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड, यहां पे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, विटामिन्स एंड ऑल, राइट, जिसके ऊपर आपने वो भी देखा होगा, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले आते भी हैं कि हमारे वाले टैबलेट्स खरीद लो, ये सब बहुत बढ़िया हैं, ये आप इस एज में हो आपको तो बहुत ज़रूरत है, राइट, बट हमारे पास जेनरिक मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी की जो विटामिन्स की टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिसकी कॉस्ट होती है अराउंड 9 to 18 रुपीज़ फॉर आई थिंक 10 या 15 टैबलेट्स, राइट, तो ये कॉस्ट है उसकी, इट इज़ वेरी चीप, है ना, बट ये थोड़ी मार्केटिंग की वजह से बाकी कंपनीज आप तक बहुत महंगा पहुंचाती हैं इसको, 350 रुपीज़ का डब्बा है, 400 का है, 1400 का है, 1500 का है, राइट,
लास्ट इज ओवरवेट. Which means diet-related non-communicable diseases. SDG number कितना है इसका hunger का? Zero hunger. Anyone? Sustainable development goal. है ना उसमें गोल्स है ना बहुत सारे देखा है. हाँ वो भी याद कर लेना. और खासकर जो लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर फोकस रखें इसको. वो आप वो सारे गोल्स आपको पूरे याद होने चाहिए. एग्जैक्टली. और इसके ग्राफिक्स अवेलेबल हैं नेट पे आप जाएंगे है ना. और अगर आपको याद रखने में तकलीफ होती है मेरी तरह राइट चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो टेक अ प्रिंट आउट और उसको पेस्ट कर लो कहीं पे. नोटबुक में करना नोटबुक में कर लो या कहीं और कर लो राइट. नंबर टू इसी के नीचे लिख लो SDG 2 कॉलन डाल के जीरो हंगर एम्स टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. अच्छा ईयर तो बता दोगे बाय 2030 ठीक है. सो आई थिंक आपने ये वाली न्यूज़ तो पढ़ी ही होगी रिसेंटली राइट. UK बेस्ड एक देर वॉज दिस नर्स. इतनी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जस्ट आपको एक थोड़ा सा ट्रिविया बता रहा हूँ उसका. एंड शी वॉज किलिंग न्यू बॉर्न बेबीज़ और काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ किल किए हैं एंड बाद में पता लगा दैट शी वॉज द वन हु वॉज किलिंग द बेबीज़ राइट. सो उसके बाद में हमारे लिए क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है राइट हमारे लिए क्या टॉपिक उठता है कि यार इंडिया में केयर प्रोटोकॉल क्या है न्यू बॉर्न्स के लिए राइट. तो वो हम इसके अंदर देखते हैं और स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि नियोनेटल सेफ्टी राइट योर फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ बर्थ राइट 28 डेज ना तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या है. देन वी विल सी कि ओवरऑल पेशेंट सेफ्टी के लिए हमारे पास कितने प्रोविजंस हैं है ना. तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इसके अलावा बिकॉज यहाँ पे इस टाइप की चीज़ से आपका IMR हिट होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट राइट. सो वो भी हम साथ में देखेंगे कि इंडिया के क्या टारगेट्स हैं IMR को लेके और इंडिया उस डायरेक्शन में क्या कर रहा है IMR को मेंटेन करने के लिए राइट. सो दिस इज हाउ दिस टॉपिक विल प्रोसीड राइट. चलिए सो हाउ इज नियोनेटल सेफ्टी मेंटेन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन दैट देयर इज नो एक्सक्लूसिव रूल्स फॉर दी केयर एंड सेफ्टी राइट. हमारे पास हॉस्पिटल्स में सिर्फ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं अदरवाइज देर इज नो रूल दैट इज आप इसके थ्रू गवर्न हो रहा है राइट. सेकेंडली एक तो आप लोगों का जो सैंपल साइज है अगेन आई वुड से दैट आप लोगों को तो हॉस्पिटल्स दिमाग में आते होंगे बच्चों की सेफ्टी लेके. लेकिन नॉट ऑल आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स राइट. वी हैव मिड वाइफरी इन इंडिया दाई कल्चर है ना. तो सेकंड में वो गिवन है यहाँ पे दैट वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड मिड वाइफ लेड कंटिन्यूटी ऑफ केयर. और इसके अंदर एक स्टैट गिवन है कि जब से हमने मिड वाइफ्स को इंट्रोड्यूस किया है इसी पॉइंट के अंदर अगर आप लास्ट में देखेंगे 16% लेस लाइकली टू लूज देयर बेबीज. ये वाला स्टैट है एक बार आप देखिए. एंड 24% लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस प्री टर्म बर्थ. जब आप एक ट्रेंड मिडवाइफ को भेजते हैं
So this is how you tackle for the baby's safety, right? इसके अलावा हाउ डू वी मेंटेन द सेफ्टी इज बाय कि हम जैसे ही आपके रजिस्ट्रार के पास में आपने नाम दे दिया कि बच्चा पैदा हुआ है, राइट, तो वी हैव गिवन द नेम, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, अब वो एंटिटी बन गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. नाउ ही और शी इज अ सिटीजन. अब उसके साथ कुछ भी होगा तो सरकार के पास एक रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर आप नाम ही नहीं दोगे, सो हु इज देयर, हु इज एग्जिस्टिंग, राइट? सो वो भी है. सो दिस इज ऑल्सो, फैमिलीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, ये कंपल्सरी प्रोसेस है to register the birth and bring the baby for timely vaccination. हमारे पास UIP program है, वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में. हमने लिखा भी था शायद उसके ऊपर, universal immunization program. Now otherwise आप लोगों की सेफ्टी का क्या, अब आप तो बेबीज नहीं रहे, राइट? हाउएवर आपको थोड़ी सी कंटेंट के लिए स्पूड फीडिंग की आदत है, बट यू आर नॉट कंसिडर्ड बेबीज, राइट? चलिए, नंबर वन इज नेशनल पेशेंट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, राइट? ये करंटली आपका ये लागू हो रखा है यहाँ पे. इसमें पेशेंट सेफ्टी कैसे होगी, कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, सारा इसके थ्रू होता है. एंड दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज द वन जो आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि नेशनल पेशेंट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ये फ्रेमवर्क है, इट इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री, या कुछ इस टाइप से सवाल बनेगा आपका. सो दिस विल बी योर आंसर. हालांकि ये गैस भी करना आसान है. और क्या है, थर्ड वन देखिए, हिपोक्रेटिक ओथ. हिपोक्रेट्स अ ग्रीक फिजिशियन, राइट, और ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन ऑल्सो. उनके नाम पे ओथ ली जाती है. जैसे एक एक डिबेट उठी थी थोड़े टाइम पहले कि जो सर्विस में, जैसे मान लो ओथ्स एंड एफर्मेशन होती हैं, कौन से शेड्यूल में, हाँ शेड्यूल 3, राइट? तो वो वाली ओथ्स एंड एफर्मेशन आप रिवाइज करवाओ. एक बारी लेके 5 साल के लिए बैठ जा रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में, अगर आप मान लो आपकी कहीं जॉब शुरू होती है तो आपके साथ स्टार्टिंग में इंटरेक्शन होगी, स्टार्टिंग में ओथ होगी, देन होल ऑफ द सर्विस नथिंग, राइट? सो उसको आप थोड़ा सा पीरियोडिक कर दीजिए, याद ही रहेगा, मकसद याद रहेगा. नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आपकी मेडिकल नेग्लिजेंस को कवर करता है, राइट? तो सवाल अगर यूपीएससी पूछेगी तो वो इसी तरीके से पूछेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद पेशेंट सेफ्टी इन इंडिया, राइट? तो वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी होगा ऑप्शन में, तो उसको रिजेक्ट मत कर देना, इट ऑल्सो डील्स विद इट. देन एक सीधा साधा डायरेक्टली इसके ऊपर है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010, ये आपके पेशेंट्स के लीगल राइट्स को एन्यूमरेट करता है, राइट? ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली क्या करता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद में आपको कोई मन चाहे प्राइसेस ना चार्ज करे, ये भी आपके पेशेंट सेफ्टी के अंडर ही आता है, राइट? वो देखे थे आपने पहले, आपको तो खैर नहीं याद होगा, पर अगर कोई पहले ट्रैवल करता होगा पंजाब रोडवेज में या कहीं पे घूमने गए होंगे बचपन में, तो वो लोग आते थे फोटोज़ ले लेके और रिपोर्ट्स लेके कि फलाने हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट एडमिट है उसके लिए. आजकल कम हो गए हैं बिकॉज दो स्कैमर्स आर अ लिटिल बिट अहेड ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. वो कम है इन दिनों. वाई? बिकॉज ऑफ दिस, के प्राइस फिक्स होने लग गए चीज़ों के, मेडिसिन के, और अगर आपको किसी का इलाज करवाना है सो देर आर स्कीम्स एंड देर आर मैकेनिज्म्स, राइट, जो आपकी हेल्थ को इंश्योर करते हैं, राइट? कौन कर रहा है इसको, आपका DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके थ्रू में प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज योर चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स. एज अ पेशेंट आप लोगों के क्या राइट हैं, जैसे लेबर लॉज होते हैं और वैसे पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं. एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किए, किसके अंडर हैं ये, उसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन.
चार्टर बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे इट एक्ट्स एज अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट, ये डीपीएसपी की तरह बोलना चाह रहा है इसको, हर चार्टर ऐसा ही होता है ना, वो बस आपको बताता है कि यहाँ पे क्या है ना, थोड़े पल्ले की है बेसिकली, वो पता लगता है किसी भी चार्टर से। चलिए ये तो सिंपल इनफ टॉपिक था, थोड़ा सा हम उसके ऊपर देख लेते हैं कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये क्या है, हमारे NHM नेशनल हेल्थ मिशन के गोल्स क्या हैं। आइए हमारे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की वो डेफिनेशन पता है तो लिखनी है, वो भी लिख लेते हैं फॉर सेफ साइड, है ना। IMR नंबर ऑफ डेथ्स of children less than 1 year of age per 1000 live births, then we have MMR maternal mortality rate, maternal mortality rate, number of maternal deaths पर कितने लाइव बर्थ्स, कितने 1000 नहीं है, ज्यादा है, यही बस इसमें कैच होता है इसलिए लिखवाया ये, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। अच्छा अगर नंबर नहीं याद तो फिर आपको ये भी नहीं याद होगा कि इट इंक्लूड्स प्री बर्थ एंड पोस्ट बर्थ डेथ्स ऑल्सो, लिख लीजिए साथ में ब्रैकेट में, ड्यू टू प्रेगनेंसी इसी के साथ में, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स ब्रैकेट ड्यू टू प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉमा रिगार्डलेस ऑफ द साइट और the duration of pregnancy, मतलब any death that occurs related to pregnancy उसको हम MMR के अंदर गिनते हैं, ये मतलब है इस बात का। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज जस्ट वेटिंग टू बी आस्क्ड आइदर इन योर PCS और इन UPSC, रिगार्डलेस ऑफ द साइट और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं ना तो MMR हमारा जाके इमीडिएटली लिंक होता है विमेन एम्पावरमेंट से, थोड़ा सा जब इसको हम डीप में जाते हैं कि ओके क्या मतलब है इस बात का, ये और आपका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट, ये दोनों चीज़ें आपकी अल्टीमेटली वहाँ लिंक होती हैं। तो कभी हो सकता है कि UPSC का दिमाग अगर जो कि ख़राब रहता ही है तो फिरे तो वो आपको दोनों में घुमा सकता है कि हाउ दीज थिंग्स आर लिंक्ड। तो जब इसके ऊपर जब भी आप स्टैटिक में पढ़ो इसको, आप इकोनॉमी में पढ़ते हो बाय द वे, जब हम हेल्थ सेक्टर पढ़ते हैं तो इकोनॉमी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, राइट, तो थोड़ा सा जाना एक चक्कर मार के आना उस तरफ भी, थोड़ा सोसाइटी की तरफ होके जाना यहाँ से। लेट अस राइट अ फ्यू गोल्स ऑफ NHM नेशनल हेल्थ मिशन। वैसे आपको ये याद होने चाहिए, नहीं है तो अब के बाद कर लेना इसको। ये करंटली कितना है ये डाटा आप खुद देख लेना, अगर देखना हुआ मैं आपको टारगेट बता देता हूं। रिड्यूस IMR टू
25 per thousand. Live births. Reduce IMR to 25 over 1000. Live births. Reduce TFR to 2.1. ये ideal होता है population को replace करने के लिए. This is the ideal. 2.1 TFR का मतलब, हाँ पता है ना, ठीक है. Prevention and reduction of anemia. Prevention and reduction of anemia in women aged 15 to 49. Aged 15 to 49 years. यहाँ से सवाल आया था बाय द वे 2023 में, एनीमिया मुक्त भारत है ना, वो इसकी ब्रांच है. जब आप इसको देखते हो कि ये सारे हमारे अगर गोल्स हैं तो इसके लिए सरकार कर क्या रही है, राइट? सो दैट इज़ योर सिलेबस. उसके और वो डालेगा ही कहाँ से, है ना? और ज़्यादा नहीं है ये. अगर हर टॉपिक को आप ऐसे तोड़ के देखोगे तो आपको 15 से लेके 20 इनिशिएटिव एट मैक्स, उसमें से 5-10 सीधे ही रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि कुछ होता ही नहीं उनमें, हवा की बात होती है उसमें सिर्फ, है ना? और बचते हैं 8-9, राइट? सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर गवर्नेंस टॉपिक. स्कीम्स एंड ऑल वो ऐसे कवर होती हैं. इसके लिए स्कीम्स के लिए कोई आपकी क्लास नहीं लगती. इट इज़ नॉट पॉसिबल. रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ लेप्रेसी. टू लेस देन 1 per 10,000. लेस देन 1 per 10,000 पॉपुलेशन की बात हो रही है. एंड इंसिडेंस, इसी के साथ में कंटिन्यू कीजिए, एंड इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. जो हैं उनका इलाज होगा और नए लोग अफेक्ट ना हो. एंड रिड्यूस एंड इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. समझ में आया ये पूरी स्टेटमेंट? इवन जी, आई थिंक आपका हो गया ये, मैंने रिपीट कर दिया था वो MMR. अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ. एनुअल मलेरिया इंसिडेंस ये किसी एरिया का होता है बाय द वे, टू बी लेस देन 1 per 1000. Reduce household OOP out of pocket. Reduce household OOP, bracket में लिख लो, out of pocket OOP expenditure on healthcare. इसके लिए 3-4 schemes हैं, major चलती हैं, राइट? डिवाइड कर रखा है उसको 3-4 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ. बिकॉज योर PCS इज अप्रोचिंग, राइट? सो लेट मी गिव यू दी इंटरवेंशंस ऑन IMR, राइट? थोड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल की IMR और इन सब के ऊपर डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं. सो लिख लीजिए इंटरवेंशंस on improving IMR. तो इसमें आपको वो सब नहीं लिखवा रहा हूं कि आपके जो हॉस्पिटल्स के अंदर क्या कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं. बाय द वे, जस्ट फॉर योर नॉलेज, दैट SNCUs आर एस्टैब्लिश्ड
जिसकी मतलब सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स बोलते हैं उनको, है ना, जस्ट लाइक ICU वैसे SNCUs हैं, वो एस्टेब्लिश किए गए हैं हर हॉस्पिटल के अंदर, राइट। देन वी हैव कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सेंटर्स, तो ये सब नहीं करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ MAA, दिस गवर्नमेंट इज वेरी गुड इन कीपिंग नेम्स, मजा आ जाता है इनके नाम्स देख के सारे। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, फॉर इनिशिएटिंग, IYCF, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, इनिशिएटिंग IYCF। हाँ वो MMR में बच्चे था वो कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ये डेफिनेशन है उसकी, आई थिंक अब क्लियर है, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, मतलब कि अगर 1 लाख किड चाइल्ड आर बॉर्न, राइट, तो उसमें से उनमें से कितने की मदर की डेथ हो गई है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द बर्थ, उसको MMR कहा जाता है। यह पढ़ोगे डिटेल में पढ़ोगे इसको आप, नॉट इन करंट अफेयर्स बट अदरवाइज। नेक्स्ट इज सांस, SAANS, सोशल अवेयरनेस, एंड एक्शंस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है, क्या इसका मकसद होएगा, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, राइट, ड्यू टू निमोनिया, सिंपल। याद रखना है आपने ऊपर, क्योंकि हेडिंग में हमने लिख दिया है कि IMR के लिए है ये, राइट, सो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। UIP ये तो पता ही होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें आपके ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, आई थिंक इसकी लिस्ट बनाई हुई है हमने, है ना, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वी हैव राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगेन मेरे को PCS पे थोड़ा सा डाउट है कि वो क्या पूछ लें इस पे। चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज, चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज आर स्क्रीन्ड फॉर 30 हेल्थ कंडीशंस, ये होता है इसमें। बाय द वे जो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, ये हर एक्ट के अंदर अलग अलग है, राइट, जैसे आपका फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन कुछ और है, राइट, हेल्थ मिनिस्ट्री चाइल्ड की डेफिनेशन कुछ और देती है, तो जब आपके पास सवाल आएगा तो वहाँ पे ऊपर लिखा होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड या द अपर एज ऑफ चाइल्ड इज, राइट, तो आपको सारे एक्ट का एक बार देख लेना आप ध्यान से। स्क्रीन फॉर 30 हेल्थ कंडीशंस, बेसिकली डिजीजेज, डेफिशिएंसीज, जो भी होगा,
इंक्लूडिंग इसके अंदर डिफेक्ट्स एंड डेवलपमेंट डिलेज, ये सब कुछ स्क्रीन होता है इसके अंदर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलता है ये प्रोग्राम, और समटाइम्स दे गो टू स्कूल्स और वहीं पे टेस्ट कर देते हैं बच्चों को, और ये सब होता है इसके अंदर। देन वी हैव D2 इनिशिएटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, आपको चुन के ही लिखवा रहा हूं मैं। D2 डिफीट डायरिया, तो कैसा आएगा सवाल इसके ऊपर, D2 इनिशिएटिव इज इन रिगार्ड्स विद, और एक आधा वो कोई इंटरनेशनल अफेयर डाल देगा वहां पे, रिहेबिलिटेशन ऑफ दमन एंड डीयू कुछ इस टाइप की चीज कर देगा, है ना। इट इज डिफीट डायरिया और कुछ नहीं है। और डायरिया कैसे डिफीट होता है, बाय द कंजम्पशन ऑफ ORS, तो इसमें भी वही है, ORS और जिंक आप प्रोवाइड कर दो तो आपका डायरिया डिफीट हो जाता है, इसमें वही है। तो फ्री जो ORS के पैकेट्स मिलते हैं ना सरकारी, उसमें वो इस प्रोग्राम के तहत मिलते हैं, डिफीट डायरिया। इधर जाओ ना जब तुम छत भीड़ जू में, तो वैसे तो जानवर आराम से बैठे रहते हैं, फिर जैसे ही कोई एंटर करता है तो जानवर खुश से हो जाते हैं कि यार चलो फाइनली कोई आया हमें देखने। नो कॉन्टेक्स्ट ऐसी बोल रहा हूँ बस, हाँ ऐसे नहीं, मतलब किसी ने दिल दुल पे लेनी बात। नेक्स्ट एक इसके अंदर आपका AMB अनेमिया मुक्त भारत, इसको सिर्फ एज वो लिख लीजिए आप, इसकी क्योंकि सवाल आ चुका है। PCS हो सकता है इसको दोबारा पूछ ले, वो दोबारा रगड़ दे इस चीज़ को, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। UPSC नहीं इसको टच करेगा दोबारा कभी, इट्स डन, बस ठीक है ये है जी। सो द जस्ट टू गिव यू अ रीकैप, एक सीरियल किलर से ये बात शुरू हुई थी, ये जो टॉपिक है वो वहाँ से हाईलाइट हुआ है, और आपने नेशनल हेल्थ मिशन पढ़ दिया पूरा, है ना। बाय द वे दिस गोल्स आर बाय 2025, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए जो गोल्स हमने लिखे हैं ना, और भी हैं इसमें बट आपके लिए इतना बहुत है। चले आगे, तो केरला के फोक आर्ट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं, है ना। तो रादर देन कि हम एक एक आर्ट को पकड़ें, आज ये तो हम देखेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है। बाय द वे वील राइट अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्ट्स एक एक लाइन में कि क्या है जो उसके ऊपर सवाल बन सकता है, लगभग 5 या 7 होंगी इम्पॉर्टेंट। आपको 2 तो पता ही होगा, है ना, कथकली मोहिनीअट्टम, ये सब ने सुना होता है, सुना हुआ है ना। मेरा दिल बैठ जाता है जब तुम ऐसे मुँह बना लेते हो कि नहीं सुना हुआ, मत किया करो ऐसे, ठीक है। तुम लोगों का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ज़्यादा है, मेरे लिए 2nd नंबर पे है, है ना, आई वुड कंसिडर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें एग्ज़ाम में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है वो आपको यहीं कहीं मेरे साथ घूमते हुए बाहर मिल जाएंगे, तो आप नहीं पता कर सकते देख के कि यार ये बंदा भी सिलेक्शन निकाल के वहाँ बैठ सकता है, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे ओरली चलते फिरते बता दी जाती हैं, ये आपको याद रहेंगी और यही आपके पेपर में आपके सिलेक्शन बनाएंगी। ये मेरे को किसी टीचर ने बहुत पहले बोला था और मेरे को समझ सी नहीं आई थी ये बात, बट ये बात सही है। एग्ज़ाम जब देने बैठते हो तो मेरी की हुई बकवास ज़्यादा याद रहेगी रादर देन जो आपने खुद पढ़ा होगा, नॉर्मल सी बात है, राइट। चलिए तो अगेन न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि इसका एक इकलौता ग्रुप बचा हुआ है एंड इट इज़ योर फोक आर्ट ऑफ केरला। क्या चीज़ है ये, की फीचर्स में चलते हैं।
इट इज़ अ फोक डांस ड्रामा. कहने का मतलब जैसे म्यूजिकल्स नहीं होते जहाँ पे नाचना गाना भी चल रहा होता है लेकिन अ स्टोरी लाइन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, है ना. तो ये बेसिकली नाच गाने वाली काइंड ऑफ, अगर आप क्योंकि नॉर्थ से हो, रामलीला टाइप, है ना. तो ये उस टाइप की चीज़ है ये. दैट मीन्स रिलेटेड टू रामायण. तो इसके जो करेक्टर्स हैं आपको वही दिखाई देंगे इसमें. वो दिन दूर नहीं है जब इसके ऊपर सवाल आएगा यूपीएससी के अंदर और वो आपको आर्ट्स को मैच करने को बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर आर्ट में एक्चुअली क्या होता है, राइट. और वो बेसिकली एक एक लाइन की चीज़ है, बाकियों की मैं आज को आपको आज ही लिखवा दूंगा. चलिए इसके अंदर देखिए आप. इट इज सेलिब्रेटेड प्राइमरी परफॉर्म प्राइमरी ड्यूरिंग दी ओनम फेस्टिविटीज. आपके की फीचर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है ये. परफॉर्मेंस इज कैरिड आउट बाय दलित आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू वेदा एंड पुलाया कम्युनिटीज. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसमें इस के अंदर पूरी एक जर्नी होती है वन यात्रा से लेके आपका अंदर धनम, उसके बाद में उसके मीनिंग्स भी गिवन है. बेसिकली द होल रामायण अंदर धनम इसके अंदर गिवन है, दैट डिसेंड इनटू द अर्थ, है ना, जो अकॉर्डिंग टू द रामायण जैसा चलता है वैसे वाला. एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं उसका नाम गिवन है यहाँ पे. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे हुए हैं, बस इसका नाम अलग है. जैसे जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट है जैसे, जिसको गंजीरा बोला हुआ है, यहाँ पे एक पंजाब में बहुत फेमस सिंगर हैं गुरदास मान साहब, राइट. तो वो जो बजाते हैं जिसको पंजाबी में आई थिंक खंजरी बोला जाता है, काइंड ऑफ डफली, है ना. तो ये वही इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली. तो इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके सिमिलर से ही हैं जहाँ पे भी आपको. जस्ट ये आपको एक साइड नोट पे आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ये वाले इस टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे भी फोक म्यूजिक होगा आपको सिमिलर साइज देखने को मिलेगा, राइट. इवन टुडे व्हेन बॉलीवुड हैज़ टू मेक अ फोक सॉन्ग, दे यूज इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर लोकल इन नेचर. तो इमीजिएटली योर ब्रेन इज, आई डोंट नो हाउ, बट समहाउ इट इज़ वायर्ड एंड यू कैन ईजिली मेक आउट कि यार ये एक फोक सॉन्ग है, राइट. लास्ट इज दैट इसमें करेक्टर्स कौन कौन से हैं, ऑल द करेक्टर्स, की करेक्टर्स ऑफ रामायण, राइट. चलिए ये तो इस पर्टिकुलर आर्ट के बारे में हो गया. अगर बहुत सिंपल सवाल आएगा तो वो आपसे एरिया पूछ लेंगे, है ना, कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है ये डांस फॉर्म. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना होगा तो ये इसके साथ में वो आपको और स्टेट्स का कुछ कुछ डाल देंगे, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल कथक डाल देंगे वो. कहाँ से है कथक? कथक डांस फॉर्म है ना एक. चलो यहाँ पे तो हम लोग पहुँचे किसी तरह, ठीक है. उत्तर प्रदेश, यूपी की डांस फॉर्म है ये कथक. थोड़ा डिक्लाइन पे है इन दिनों, जो नए किड्स हैं वो नहीं ले रहे हैं इस आर्ट फॉर्म को. तो हो सकता है आने वाले 3 या 4 साल में, जैसे इसकी न्यूज़ आ रही है, केरला की बहुत न्यूज़ आ रही है. हमने एक और आर्ट करी थी अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर, आई थिंक ऑटन थुलल आर्ट, राइट, है ना, जिसमें वो फेस पेंटिंग है विच इज़ वेरी क्लोज टू कथकली डांस. तो वो इस साल, ये 2 साल से केरला न्यूज़ में चल रहा है. लगभग 2.5-3 साल बाद आपको शायद यूपी, अगर जब भी उनकी आत्मा जागे, राइट, तो आपको यूपी न्यूज़ में आता हुआ दिख जाएगा. एंड सच काइंड ऑफ फोक आर्ट्स अगेन, ये वहीं पे फ्लरिश कर सकती है जहाँ पे लोग अपनी आइडेंटिटी अपनी मिट्टी से डिराइव करते हैं, फ्रॉम द प्लेस दे आर बॉर्न इन. आई थिंक मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, ये सच काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपको पंजाब में देखने को मिलती है, आपको बंगाल में देखने को मिलती है, और आपको डेक्कन में और साउथ में देखने को मिलती है, राइट. और इसके अलावा बाकी जगहों पे ज़मीन से आइडेंटिटी कम ली जाती है और आपकी कम्युनिटी और रिलीजन से ज़्यादा ली जाती है. इसीलिए बाकी जगहों पे आपको कम्युनल थ्राइब्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कम्युनल लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे, राइट. तो इट इज़ अ सोल्यूशन टू दैट, कि अगर आप वापस अपनी मिट्टी से जोड़ दो किसी को तो वो थोड़ा सा रिलीजन वाला एंगल कम हो जाता है. चलिए डिफरेंट डांस फॉर्म्स ऑफ केरला. इसके बाद जो भी इसमें आर्ट फॉर्म आएगी तो या तो हम यहीं पे मेंशन कर देंगे, ऐसा टॉपिक हम कमी लेके आएंगे. अब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा तो ही देखेंगे, केरला वाले तो हट ही नहीं रहे हैं. बाय द वे देर आर 50 डांस फॉर्म्स जो केरला में फोक डांसेस हैं, वील राइट 5 और 6.
क्योंकि आप लोगों को पूरा पता था कथकली के बारे में, तो वहीं से शुरू करते हैं हम। कथकली नंबर वन, दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। नंबर वन कथकली, इट मीन्स स्टोरी प्ले। स्टोरी प्ले, कॉमा, परफॉर्म्ड बाय मेन, पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर्स, ऑफ रामायण, महाभारत एंड पुराण्स। क्या कीवर्ड है इसमें? परफॉर्म्ड बाय मेन। ठीक है, तो अगर किसी ने हिमाचल वाला पंगा भी ले रखा है, HAS का, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो लोग सीधा ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि इनमें से कौन से मेल्स परफॉर्म करते हैं, सोनली बाय मेल, सोनली बाय फीमेल्स, इस टाइप के सवाल वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये उस टाइप का है ये। नेक्स्ट इज मोहिनीअट्टम, MOHINIYA TTAM, मोहिनीअट्टम। लिटरल मतलब इसका मेडन्स डांस होता है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप मेडन्स डांस। द वन इज नॉट मैरिड, मेडन्स डांस। इट इज अ ब्लेंड ऑफ कथकली एंड भरतनाट्यम। इट इज अ ब्लेंड ऑफ कथकली एंड भरतनाट्यम एंड इज एक्सक्लूसिवली परफॉर्म्ड बाय वुमेन। ठीक है, तो कथकली आपका मेल्स के थ्रू एंड मोहिनीअट्टम इज अ फीमेल डांस। देन वी हैव कोलकली, KOLKALI, आई मे बी और आई मस्ट बी प्रोनाउंसिंग देम रॉन्ग, है ना, पर आपको भी कौन सा सुनना है वहाँ पे पेपर में, पढ़ना ही है तो लिख लो, KOLKALI। ट्वेंटी फोर पीपल परफॉर्म यूजिंग 2 feet लॉन्ग वुडन स्टिक्स। तो वुडन स्टिक्स का नाम सुनते ही आपके इमीडिएटली दिमाग में वो बीहू वगैरह आएगा, है ना। तो याद रखना कि 24 पीपल आर परफॉर्मिंग एंड वुडन स्टिक्स आर देयर, सो इट इज नॉट दैट बीहू, इट इज दिस वन। नेक्स्ट इज कलरीपयट्टू, KALARI PAYATTU। ancient warriors practiced this dance to learn self defense. It is similar to Gatka. Ancient warriors practiced this dance form to learn self-defense.
नेक्स्ट इज पढ़ यानी पी ए डी ए वाई ए एन आई, परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ भद्रकाली, कॉमा डांसर्स वियर मास्क। बस यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉमा डांसर्स वियर मास्क। अच्छा मास्क में कंफ्यूजन है, फेस मास्क। लेट्स बी स्पेसिफिक देन। नेक्स्ट इज ओपन्ना, ओ पी पी ए एन ए, परफॉर्म्ड इन वेडिंग सेरेमनीज इन केरलाज मुस्लिम कम्युनिटी। नहीं ये लेडी संगीत नहीं है, इन केरलाज मुस्लिम कम्युनिटी। हाउएवर इसके ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, आजकल वेडिंग्स में यही हो रहा है। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, ब्राइड्स फीमेल रिलेटिव्स dance by singing and clapping around the bride। नहीं है कोड़ियां गाना भी नहीं है। मतलब इस टाइप की चीज से हमें ये चीज रियलाइज होती है कि ये जो हम करते हैं कुछ ज्यादा कोई बहुत यूनिक चीज तो नहीं है। जहाँ पे भी सोसाइटी इकट्ठी होएगी ऐसा सा कल्चर आएगा। सो दिस इज नाउ सोशियोलॉजी हैज़ अ डिबेट इन दैट कि अगर यहाँ सोसाइटी अलग से बनी है, वहाँ अलग से बनी है, यूरोप में अलग से बनी है, लेकिन इंडिपेंडेंटली सब ने सेम सी चीज़ें कैसे डेवलप कर ली, राइट? सो आर वी इन कंट्रोल और आर वी इन कंट्रोल, राइट? चलिए एक दो और लिख लेते हैं। कूडी अट्टम, ये भी हमने शायद लास्ट ईयर कवर किया था। मेल परफॉर्मर्स आर फ्रॉम चाकियार कम्युनिटी, मेल परफॉर्मर्स आर फ्रॉम चाकियार कम्युनिटी, सी एच ए डबल के आई वाई ए आर। चाकियार कम्युनिटी द सेम कम्युनिटी जो शायद अगर आप ड्रिंक के लिए मना करोगे तो वो आपको जो वर्ड यूज करेगी दैट वन, है ना? ये पीसीएस वालों के लिए। नहीं समझे? अच्छी बात है। वेयर एज फीमेल्स आर फ्रॉम नांगियार कम्युनिटी, एन ए एन जी आई वाई ए आर। और ये टेम्पल डांस टाइप चीज है ये। वेयर एज द फीमेल्स आर फ्रॉम द नांगियार कम्युनिटी, एन ए एन जी आई वाई ए आर। इसकी एक जो इकलौती खास बात है वो ये कि इसमें जो वर्सेस हैं वो संस्कृत में बोले जाते हैं। सो यूपीएससी के लिए अगर ये आ गया तो बहुत टफ क्वेश्चन है माना जाएगा। इसी के साथ में कॉमा या सेमी कॉलन डाल के या जैसे भी है ब्रैकेट में लिख लो, संस्कृत वर्सेस आर रिसाइटेड। लास्ट वन, चाकियार कूथू,
CHAKYAR स्पेस KOOTHU। कंफ्यूज नहीं होना, ये हिमाचली वर्ड नहीं है। दिस इज एन ऑर्थोडॉक्स डांस फॉर्म, ऑर्थोडॉक्स डांस फॉर्म क्रिएटेड बाय दी अर्ली आर्यंस, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वेरी ब्यूटिफुल डांस फॉर्म, इसके अंदर सारा काम एक्सप्रेशन और जेस्टर्स का है, राइट। सो हेल्थ वगैरह का ज़्यादा हो गया, रुक जाते हैं अभी, है ना, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। फिफ्थ, तीसरा टॉपिक होता है वो हेल्थ से रिलेटेड, है ना, ये दवाइयाँ, IMR, सीरियल किलर्स, थोड़ा सा निकलते हैं बाहर, थोड़ा एनवायरनमेंट ख़राब करने वाली चीज़ पे चलते हैं। लेट्स सी अबाउट कोल माइंस, हेल्थ ख़राब भी तो करनी है, कब तक दवाइयों के बारे में पढ़ते रहेंगे। आओ फिफ्थ वन, सो ये जो टॉपिक है बेसिकली छत्तीसगढ़ की पहली MDO, माइंड डेवलपर एंड ऑपरेटर, नाम से समझ में आ रहा होगा, MDO इज अ मोड, अ न्यू मोड। ये जनवरी में इसकी नोटिफिकेशन आई थी और सरकार ने मांगी थी एप्लीकेशन की कौन सी कंपनी MDO के तहत हमारे साथ काम करना चाहती है। सो बेसिकली माइन के जितने भी ऑपरेशंस हैं, एक्सकेवेशन से लेके डिलीवरी टू दी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, इसको भी चाहिए, राइट, वो कोल, इट कुड आइदर बी अ स्टील कंपनी और अ थर्मल पावर प्लांट कंपनी, एनी कंपनी फॉर दैट मैटर। एक्सकेवेशन से डिलीवरी तक एक कंपनी के साथ में टाइप हो जाएगा जो कि वहाँ पे वो नेसेसरी इंफ्रा और टेक्नोलॉजी का इनपुट डालेगी, राइट। सो दिस इज़ द टॉपिक, और एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारे लिए। प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ MDO, MDO काम कैसे करता है, क्या मोड है ये। आपने पहले बूट टॉपिक के बारे में, बूट मोड के बारे में सुना होगा, बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, है ना, तो इस टाइप के मोड्स हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट मोड इसके अंदर, तो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। साइट पे सबसे पहले यही लिख लेते हैं, MDO लिख लेते हैं, ना थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। दो ही लाइन है, ज़्यादा नहीं है बस। The MDOs would excavate and deliver coal to coal companies in accordance with the approved mining plan, in accordance with the approved mining plan, the contract period, second point of engagement, the contract period of engagement is for 25 years or life of mine, meri nahi, life of mine, whichever is less. ठीक है, जैसे इस वाले केस के अंदर जो पेल्मा कंपनी है,
इसको 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 20 साल का MOU साइन हुआ है इसके अंदर. सो माइन की लाइफ जो है जो डेजिग्नेट की है दैट इज 20 ईयर्स, राइट. लेट अस सी इसके की पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी माइन की लोकेशन है दैट इज रायगढ़ एरिया, राइट. और आपने जो ऊपर द वेरी फर्स्ट लाइन, इट इज द फर्स्ट ओपन कास्ट माइन. ओपन कास्ट माइन समझते हैं, एक ओपन कास्ट माइन होती है और एक नॉर्मल माइन वर्ड जिसके अंदर यूज होता है, अंडरग्राउंड माइन जो होती है, राइट. दो टाइप की माइन्स होती है, जिससे ओपन कास्ट माइन, राइट. सेकेंड पॉइंट के अंदर इट विल ऑपरेट द माइन फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, राइट. और क्या करेगा ये, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट. एसेंशियली सारे काम यही करेगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट SECL रायगढ़ एरिया जो है दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट कोल फील्ड इन द कंट्री. यहीं पे लिख लें, थोड़े कोल के स्टैट्स डाल लें इधर ही, कि इंडिया में और कोल फील्ड्स कहाँ पे हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब. लिख लीजिए साइड पे की स्टैट्स. ये जुनेजा जी इसका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अटैच्ड है वहाँ पे आपकी क्लास के साथ में, ये कल रात को ही अटैच हो गया था, कल शाम को इनफैक्ट. हेडिंग भी उसकी यही है, क्लास हैंडआउट डॉक्यूमेंट 7, तो आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए. ये इवन जी कौन सा पॉइंट आप रिपीट करने को बोल रहे हैं. चलिए, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं कोल के इंडिया में, किया हुआ है हमने यार, झारखंड. थैंक यू. अब हुआ है हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है. लिख लीजिए झारखंड. हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया, 2nd भी बता दो. ओडिशा नेक्स्ट. ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, टॉप 3 याद रखो बस. लार्जेस्ट कोल फील्ड कौन सी है, झड़िया. लिख लीजिए लार्जेस्ट कोल फील्ड झड़िया या झरिया, JHARIA, फॉलोड बाय. ये स्टैटिक है बाय द वे, ये मतलब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ करंट. रानीगंज, ये कर लो इसको एक बारी में खत्म करो ये सारा. दिस इज प्योरली NCERT, ये NCERT है, इसको हम मान के चलते हैं. जो हमारी ट्रेनिंग होती है टीचर, तुम्हें मान के चलते तुमने NCERT पढ़ी हुई है. आपको हमको मेरा काम कुछ और है. आई एम नॉट योर इनिशियल रॉकेट, मैं वो बूस्टर हूँ ऊपर वाला जो फाइनल लैंडिंग कराएगा मून पे. नीचे से ऊपर तक आपको खुद ही आना होता है, राइट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर इज सिंगरौली. इंपॉर्टेंट कैसे, डिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सिंगरौली कहां पे है, ये सिंगरौली इन, यहां पे स्टेट का नाम आएगा इस इन के बाद, मध्य प्रदेश. कर लेना आप लोगों के लिए, जो आपका भी मेंटल स्टेट चल रहा है आपके लिए 15 to 30 मिनट्स का काम है ये. सारी कोल फील्ड्स को मैप पे लगाना, अपने हाथ से मैप बनाओ, कोल फील्ड्स लगा लो, राइट. कितने टाइप की कोल्स हैं वो तो मैं खैर आपको भी बता दूंगा. इसको ख़त्म करो करके, ये आते हैं इसके ऊपर सवाल, किस कोल फील्ड के अंदर कौन सी नदी आ रही है,
राइट किस पावर प्रोजेक्ट में कौन सी मेजर नदी है, ये स्टैटिक है, ये मेजर नदियाँ बदलती नहीं होती, और एटलीस्ट जब तक आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है तब तक नदियाँ वहीं रहेंगी, मान सकते हो मेरी बात, है ना। कोल फील्ड भी नहीं हिलेगा वहाँ से, नाम वाम चेंज हो जाए वो करती रहती है सरकार, वो अलग बात है, राइट, लेकिन कोल फील्ड्स वहीं रहेंगी ज्योग्राफिकली, याद कर लो, ख़त्म करो उसको, किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो निकल जाओगे, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, 15 to 20 minutes, 30 minutes का काम है मैक्स। इसके साथ में जो बाकी स्टैटिक काम है ना बच्चे, वो भी करके रख लो आप, कौन कौन सी हिल्स हैं, मेजर रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, है ना, क्योंकि जब आप लास्ट लास्ट में जाते हो अपनी प्रिपरेशन के, वो फेब वाला टाइम, उस समय हाथ पैर भूल जाएंगे, उस समय नहीं आपको याद होंगे, थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत होती है, और अगर गलती से याद हो गए तो इट विल गिव यू अ फेक सेंस कि आपकी तैयारी होगी, राइट। सो दिस इज़ द टाइम, बहुत बहुत ज़बरदस्त टाइम चल रहा है, ये टाइम आपके पास बिल्कुल सही है, आप रिलैक्स्ड भी हो, भी आपको बिल्कुल नहीं रियलाइज़ हो रहा कि कितने दिन रह गए हैं, है ना, ठीक भी है, क्या चक्कर है, क्यों प्रेशर लेना है, राइट। बट दिस इज़ द टाइम जब आप स्टैटिक पोर्शन अपना सारा रगड़ के रखो, ये वाला जो आपको क्लास में नहीं कराया जाएगा, कोई भी नहीं कराएगा, कौन सी नदी कहाँ पे है, राइट, कौन से पहाड़ किधर हैं, लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स कितनी है, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर लेक्स कितनी है, वाटर बॉडीज़, ये सब कुछ इसकी लिस्ट उस बना के रख लो, चाहे तो एक अलग से आप रजिस्टर या कुछ पेजेस भी बना सकते हो, राइट, आई यूज़ टू डू दैट ओनली, कि पेजेस अलग से बना लिए। और एक सवाल बहुत आम तौर पे आता है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कोल, ये इसके बारे में भी लिख लें थोड़ा सा, कितने टाइप का कोल होता है, सुना होगा आपने पीट कोल, हाँ लिग्नाइट कोल, ये सब के बारे में सुना हुआ है, अगर करा हुआ तो रहने देते हैं, नहीं करा हुआ तो हम लिख सकते हैं, यू गाइस टेल, करना है, चलिए, टाइप्स ऑफ कोल, इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो डिवीजन बेस्ड ऑन कार्बन, मॉइस्चर एंड ऐश कंटेंट, और मैं आपको बहुत पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, है ना, सेंटेंसेस नहीं बनाते इसके, लेट सेव सम टाइम। नंबर वन पीट कोल, PEAT, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेस देन 40 to 55% ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं तो ये अच्छा कोल नहीं है, 40 to 55% कार्बन, मतलब बचा हुआ इम्प्योरिटीज़ होंगी, हमको उसके उससे मतलब एनर्जी नहीं मिलेगी, दैट मीन्स कि ये अच्छा कोल नहीं है, है ना, ब्रैकेट में लिख लो, हैंस मोर इम्प्योरिटीज़, क्या मतलब है इस पॉइंट का, बर्न्स लाइक वुड, इसी के अंदर बर्न्स लाइक वुड, क्या मतलब है बर्न्स लाइक वुड का, कि ये थोड़ी हीट कम देती है, स्मोक ज्यादा देती है ना, तो वैसे वाला, और ऐश जो आप लोगों की बिल्कुल नहीं है इन दिनों, इसकी बहुत है, राइट। नेक्स्ट इज लिग्नाइट, इवन जी, मैं इसको लास्ट में रिपीट करता हूँ आपका MDU, अभी जो हम कर रहे हैं इसको आप कंटिन्यू कीजिए। किसी और की अगर कोई क्वेरी है तो आप यहीं पे डाल दीजिए, इसको लास्ट में एक साथ कर देते हैं। ब्राउन कोल बोलते हैं इसको, ब्राउन कोल, इंटरमीडिएट स्टेज, अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबस्चन,
undergo spontaneous combustion. वो सुना आपने कि कोल फील्ड में आग लगी? सो दिस इज द कोल जिसकी फील्ड के अंदर आग लगती है, जो स्पॉन्टेनियस कम्बस्चन का ये मतलब है. सो स्पॉन्टेनियस कम्बस्चन इज नॉट अ गुड थिंग, इट मीन्स इट इज बैड. लिखना है ब्रैकेट में, लिख लो बैड कॉमा क्रिएट्स फायर एक्सीडेंट्स इन माइंस. सो अगर सवाल आता है कि कौन से टाइप का कोल फायर एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज दिस वन, योर ब्राउन कोल और लिग्नाइट कोल. और जस्ट अ शॉर्टकट टूल, तो बाकी जब आप कोल्स पढ़ते हो ना, तो किसी में भी किसी भी कोल का कलर नहीं गिवन होता. सो दिस इज़ दी ओनली वन जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन की तरफ लाया करता है. तो अगर आपके पेपर के अंदर आएगा और कलर मेंशन कर दिया तो यही होगा, बाकियों में हम कलर पे कमेंट नहीं करते. पीट कोल का कुछ भी होता है कलर, वो लकड़ी जैसा भी होता है, वो ग्रे भी होता है, राइट? इफ़ यू सी द पिक्चर्स, तो आपको वैरायटी ऑफ पिक्चर्स मिलेंगे इसके अंदर. नेक्स्ट इज बिट्यूमिनस, बी आई टी यू एम आई एन ओ यू एस, बिट्यूमिनस कोल. सॉफ्ट कोल, कच्चा कोयला नहीं होता जिसको हम बोलते हैं, ये धोबी वगैरह यूज करते हैं, कच्चा कोयला, दिस इज बिट्यूमिनस कोल, उसको बोलते हैं बिट्यूमिनस कोल. सॉफ्ट कोल मोस्ट वाइडली अवेलेबल, सॉफ्ट कोल कॉमा मोस्ट वाइडली अवेलेबल एंड यूज्ड कोल. जो कोल डिपोज हैं यहाँ पे, जो वो नहीं है आप न्यू ईयर वगैरह पे बारबेक्यू करते हो, जो आपको वो मिलता है आई थिंक 100 रुपये का 2.5 किलो चल रहा है अभी यहाँ पे, हाँ पता होना चाहिए 100 रुपये का 2.5 किलो चल रहा है इधर, तो वो ये वाला कोल होता है बिटुमिनस कोल. तो वहाँ जाके बोलना मत पर उसको कि बिटुमिनस कोल दे दो, पीट मत देना, मतलब डोंट गिव मी द पीट कोल, वैसे वाला उसको नहीं पता लगेगा, आपको पता है अब, राइट? यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, जो कोल गैसिफिकेशन होती है एक प्रोसेस हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, वो ये वाला कोल यूज होता है उसमें. यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड गैस, वो वाला कोक नहीं और ना ही वो वाला, ये दूसरा जलाने वाला कोक ही है. प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड गैस. फोर्टी टू 80% कार्बन इसमें, कार्बन कंटेंट बाकी से थोड़ा ज्यादा होता है, 40-80% कार्बन. लास्ट इज एंथ्रासाइट कोल. बाय द वे बिटुमिनस कोल के अंदर लिख लेना ये, दिस इज प्योरली ब्लैक इन कलर. एंथ्रासाइट कोल बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, 80-95% कार्बन. इग्नाइट्स स्लोली, मतलब लेस, इसका मतलब है कि हीट कम लूज होती है, इसका मतलब फर्दर है कि एफिशिएंट ज़्यादा है. गिव्स ब्लू फ्लेम, मतलब कि कंप्लीट कंबस्टन हो रही है इसके अंदर, और इसका फर्दर मतलब है कि इम्प्यूरिटीज नहीं है इसके अंदर. जो कलर के अंदर डिफरेंस आता है, इट इज़ आइदर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन या फिर इम्प्यूरिटीज़ की वजह से, जो कि वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, आर्सेनिक और ये सब, जिसकी वजह से आपके ये फायरवर्क्स में कलर आता है बेसिकली. सो एग्जैक्ट सेम फंडा इज गोइंग ऑन देयर ऑल्सो. इसमें एक और है कि इट इज़ ओनली इन इंडिया, इट इज़ ओनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. इन इंडिया इट इज़ ओनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट टू इन स्मॉल क्वांटिटी.
बाय द वे, इसके अलावा दो कैटेगरीज और होती हैं जिसको बीच में हम कोल को डिवाइड करते हैं, जिसको हम कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल बोलते हैं, राइट, वो भी लिख लेंगे हम। उससे पहले एक बार ही आप जरा पेज नंबर 6 पे आइए। SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इट्स अ सब्सिडरी ऑफ CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक ये आपका प्री के अंदर सवाल बनेगा। और इसी पॉइंट के अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट है, द कोल माइंस ऑफ SECL आर स्प्रेड अक्रॉस टू स्टेट्स, नेमली छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि SECL अगर न्यूज में आ गया है, इसके ऊपर कोई सवाल बनेगा तो यहां से आएगा। और लास्ट पॉइंट, इसके अलावा बाकी सारे आप खुद से पढ़ लेना एक बार। लास्ट पॉइंट में SECL, द कोल माइंस एट SECL हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, CIC, कोरबा एंड रायगढ़ कोल फील्ड्स, ठीक है। और ये रायगढ़ के न्यूज है जो हमने अभी देखी है। तो ऑनलाइन बच्चे इसका डाउट था वो MDO के लिए, आपको पूरा रिपीट करना है कि कैसे आपको समझ में नहीं आया था वो है, ये मेरे को एक बार लिख के बताओगे फटाफट कि आपने लिखा नहीं है उसको या कैसे है, फटाफट बता दीजिए मेरे को। अभी तक कोई डाउट ठीक चल रहा है? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये पहला MDO के तहत बना ना, फर्स्ट ओपन कास्ट माइन आई है ये, तो जहाँ पे भी फर्स्ट वगैरह चीज़ आती है तो वो उस एंगल से इम्पोर्टेंट हुआ। प्लस MDO एक नया मोड है ऑपरेशन का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि आप लोगों की नॉलेज बहुत ऑन पॉइंट थी सारे टाइप ऑफ कोल्स को लेके, तो ये एक मौका है उसको रिफाइन करने का। हाँ कह सकते हैं। इसकी जनवरी में नोटिफिकेशन आई थी तो उस समय इसको अवॉइड किया था मैंने आपको पढ़ाना कि पहले कुछ हो जाए इसमें, नहीं तो देर आर मैनी नोटिफिकेशन, PAB भरी रहती है रोज, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं वो लोग, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कभी एक साल में होता है, कभी साथ साथ हो जाता है। अब इसमें 4-5-6 महीने लग गए हैं एक्शन होते होते, तो जैसे ही एक्शन हुआ हमने इसको पढ़ लिया। अब अगर आएगा UPSC में तो यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी इसके अराउंड, और कुछ नहीं है। बाकी इन जनरल जो हमारी कोल की जो माइंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाउएवर ये देखा गया कि मिनरल्स के ऊपर हर साल आता ही आता है क्वेश्चन, मिनरल्स के ऊपर हर आपके PCS एग्ज़ाम में आता है, किसी भी स्टेट का PCS क्यों ना हो, राइट, तो उसमें आपका मिनरल्स के ऊपर सवाल आता ही आता है। तो बेसिक वाले तो अपने NCERT वाले कवर करके रखने ही हैं, इसके अलावा जो बाकी हैं जैसे छोटे मोटे हम करते रहते हैं, कभी जिंक कर लिया, कभी कैडमियम कर लिया, कभी ये कभी वो, राइट, लिथियम, तो इस टाइप के भी आपको पेपर के अंदर आते रहते हैं, तो वो मैं आपको करवाता रहूँगा जैसे जैसे जो जो न्यूज़ में आती रहेंगी। लेकिन जो बेसिक हैं विच यू शुड हैव डन, यू शुड डू इट, है ना, उसको कर लेना आप जी। अगर आपने हाफ डेफिनेशन लिखी हुई है तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने फर्स्ट हाफ ही लिखी होगी। डेफिनेशन में उसमें कुछ नहीं है बच्चे, उसमें हमने जो बात करी है दैट इज़ कि जो उसका पीरियड है दैट इज़ 25 ईयर्स, द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इज़ फॉर 25 ईयर्स और लाइफ ऑफ अ माइन, लाइफ ऑफ माइन विच एवर इज़ लेस, एंड MDO वुड एक्सकवेट एंड डिलीवर कोल टू कोल कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द इम्प्रूव्ड माइनिंग प्लान, ये है उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ज़्यादा हुआ तो आप लेक्चर रिवाइंड करके देख लेना बच्चे, अभी अभी वी हैव टू मूव ऑन थोड़ा सा आगे। दो टाइप के कोल होते हैं जिसको हम इसके बाद में फर्दर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज कोकिंग कोल
एंड नॉन कोकिंग कोल. कोकिंग कोल हाई ग्रेड का होता है और उसमें लो एश कंटेंट होता है, राइट? लिख लीजिए फर्दर क्लासिफिकेशन. कोकिंग कोल बहुत शॉर्ट में लिखते हैं इसको. लो एश कंटेंट, when coal is subjected to temperature above 600 degree Celsius, when coal is subjected to temperature above 600 degree Celsius, in the absence of air, comma, a solid porous residue is formed called coke. Next is non coking coal. By the way, this one, ये जो क्यों हम coking coal and non coking coal अलग अलग कर रहे हैं, देर आर सर्टेन प्रोसेसिस जहाँ पे कोल के अंदर हमें ऐश नहीं चाहिए होती, वो एक इंटरफेरेंस होती है प्रोसेस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल आपके स्टील प्लांट्स के अंदर, तो स्टील प्लांट्स के अंदर जो कोल यूज होता है दैट इज़ योर कोकिंग कोल. ऑन दी अदर हैंड जो नॉन कोकिंग कोल है इट प्रोड्यूसेज हाई अमाउंट ऑफ ऐश, तो थर्मल पावर प्लांट्स में हम वो यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पर हमारे को ऐश की कोई इतनी की दिक्कत नहीं है, हम निकाल के उसको खेतों में यूज़ कर सकते हैं, सड़क बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस में खलल नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ हीट चाहिए होती है. नॉन कोकिंग कोल used in thermal power plants also called steam coal or thermal coal, also called steam coal or thermal coal. So that is all about today's lecture. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रिलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट? ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट? दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, इफ़ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट. ज़िद से जीत तक.